कुछ भी नहीं, कैसा बिना लॉक वाला आवे। हाँ, पर्स भी नहीं जाएगा? पर्स पर जा सकता है। अच्छा, पहले हाथ की घड़ी, कमर का बेल्ट, हाँ। ये नहीं, कैसा लॉक वाला चीज पहन के मंदिर में जाती नहीं है। ठीक है, शादी? अच्छा, शादी हो गया इसका? शादी हो गई, शादी हो गई है। अरे मुबारक हो, शादी भी है उसका, यही कलर होगा। ओके जी, क्या कर रहा है यार। ओके जी, तो एक और वीडियो की शुरुआत हो गई है, ऐसे रेडी हो गए अभी, शूज वगैरह भी कुछ भी नहीं पहना यार, चप्पल में ही है। चप्पल क्या, पैदल ही जाएंगे, बल्कि यहाँ से चप्पल भी यहीं छोड़ के हम जाएंगे और यहाँ से मंदिर के दर्शन करके आएंगे। एक्चुअली अलाउड नहीं है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फ़ोन वगैरह, सब कुछ फिर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा और दर्शन, फिर अब सिर्फ दर्शन पे ही फोकस रहेगा। तो दर्शन का सारी चीज़ें करेंगे, बता दूँ उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो sai.org.in पे जाके आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं, या फिर ऐप आती है इनकी साई संस्थान के नाम से गूगल प्ले पे, तो वो भी आप कर सकते हो। सब मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्री दर्शन और पेड दर्शन वहाँ पे आप कर सकते हो, 200 रुपये पर हेड के हिसाब से पेड दर्शन, बट वो तब ज़्यादा लाइन जब होती है ना, भीड़ भाड़ होती है, तब पेड की जरूरत पड़ जाती है, किसी को जल्दी करना है उसके लिए। बाकी फ्री दर्शन में भी नंबर अच्छे से आ जाता है। जैसे कह रहे थे कि सैटरडे संडे था तो भीड़ ज़्यादा थी, बट आज जो है वो भीड़ थोड़ी कम है। बाकी वही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आ रहे, इस वेबसाइट या ऐप के थ्रू वो यहाँ पे बायोमेट्रिक करा सकते हो, उसकी भी लाइन लगती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल वगैरह सब जमा कराने के लिए 5 रुपये का मैंने कल आपको कल दिखाया था लास्ट वाले ब्लॉग में, वैसे आप काउंटर पे जमा कर सकते हैं। और आज ही हमें शनि शिकनापुर भी जाना है, तो वो वाला मंदिर भी हम आज ही दर्शन करके आएंगे और फिर सब चीज़ें दिखाएंगे इसी ब्लॉग में, बने रहना। टाइम हो रहा है 9:50 और हमने दर्शन कर लिए बाबा के, बहुत बढ़िया, बहुत ही तरीके से हुए, बहुत अच्छे से हुए और लाइन तो बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत जो थी मतलब 10-5 लोग थे आगे पीछे। और ये चेक हुआ पास, इस पर कि इन्होंने स्टैंप लगा दिया, ये एक वेरीफाई करते हैं ऐसे करके, ये वेरीफाई किया तो। और दूसरी चीज़ है यार, रजिस्ट्रेशन पहले करा के आ जाओ ज़्यादा सही है, क्योंकि बायोमेट्रिक वाली लाइन जो है वो काफ़ी लगी हुई थी, ये सुना हमने। दर्शन बढ़िया हो गए हमारे, समाधि के भी दर्शन हो गए और जितने भी अंदर मंदिर हैं, द्वारका माई के दर्शन हो गए और दत्ता मंदिर के दर्शन हो गए। और अब हम फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जब निकलेंगे तो शनि शिकनापुर का, यहीं से ऑटो वगैरह आपके मंदिर के बारे में बोलते रहते हैं, शनि शिकनापुर तो फिर वहाँ जा सकते हो। बाकी आप तरीके से थोड़ा रिसर्च करके, जो मैं मतलब जो मेरे साथ होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भाई हम लोग कैसे जाते हैं, तो उस हिसाब से ही आप भी प्लान करना। ओके जी, तो फिर निकल गए हैं, समय है 10:30 और पहले अभी शूज़ वूज वॉच वॉच सब चीज़ें ले लिया और अब जाएंगे, पहले कुछ पेट पूजा करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे ऑटो, शेयरिंग वाला सुना है चलता है शनि शिकनापुर के लिए, वो लेंगे और दर्शन करेंगे वहाँ के फिर। फिलहाल तो आपको रात वाला व्यू तो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा, इस वाले ब्लॉग में आप देखोगे दिन वाला व्यू मंदिर के आसपास का सारा एरिया, तो मैं आपको सारा एरिया दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये दिन वाला है सारा व्यू, यही सेम चीज़ रात को दिखाई थी मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में, सेम जगह सब कुछ सेम। और देखो जी, ये बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे, और यहीं से हमने एंट्री करी थी। मैं बता दूँ आपको, ये है 2 नंबर गेट, देखो कितना पास है, 70-80 मीटर कह लो आप, ये 2nd नंबर गेट है, यहाँ से हमने एंट्री करी। और एंट्री करने के बाद यहीं से फिर लाइन लग के अंदर जाती है, फिर लाइन पूरा प्रोसेस होता है लाइन के साथ ही, सारा लाइन वाइन से आप जाओगे बढ़िया से दर्शन करके, आप फिर वापस इसी गेट से, हम लोग 5 नंबर से वापस आ गए थे एक्चुअली, और फिर हम वापस बाहर आ गए थे। ओके जी, तो ये हमने मंगा लिए पराठे, अलग अलग तरीके के मंगाए, इसलिए गोभी का है, आलू का, आलू प्याज का और पनीर का है, इसको ले लिया। 11 बज गए, हमारा टारगेट है 12 बजे तक यहाँ से निकल जाने का, और 4-5 घंटे में हमें वापस आना है शनि शिकनापुर से, तो अभी देखते हैं ऑटो टैक्सी ट्रैवलर किससे जाते हैं, 150-200 के आसपास का मांग रहा है वो किराया वगैरह जो भी होता। बाकी अभी एक बार मतलब ऐसे बोल रहा था तो उन्होंने पूछा था रेट, अभी जाके फाइनल बताएंगे और बैठने के बाद आपसे फाइनल बात करेंगे। और बाकी इन्होंने अभी चाय ऑर्डर करी, बाकी यही करेंगे फिर, और बाकी जो देखेंगे वही जाके करेंगे, तो यही आके कर लेंगे, 4-5 घंटे तो लगने। तो ये देखो आ गई चाय, वही लस्सी आ गई, बहुत बढ़िया, तो ये ले लें फिर आप, चलो फिर फटाफट इसको फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर ज़्यादा। ओके जी, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा डन, पराठे खा लिए दबा के, ये आए आए थे हम, देखो ये था इस जगह पे थे, और ये इसके सामने ठीक महालक्ष्मी मंदिर के ठीक सामने, यहाँ पे खाया बढ़िया थे पराठे, मुझे तंदूर वाले खिलाए थे, बढ़िया वाले पराठे थे। और सामने लक्ष्मी जी का मंदिर है, और
अब फटाफट से ढूंढते हैं हम अपना जाने की सवारी चनी सिग्नापुर के लिए। और अभी पौने बारह बजे, 12 का टारगेट था हमारा, 12:15 एग्जैक्ट बैठ गए हैं। और 200 रुपये ले रहा है अपडाउन के, आवाज़ आ रही चनी सिग्नापुर पे, आपसे बात कर लूँ। 200 रुपये ले रहा है अपडाउन, 1 घंटे का वेट करेगा, 2 घंटे पहुँचने और 2 घंटे आने, 5 घंटे मान के चलो, 5 बजे तक अपन वापस आ जाएंगे चनी सिग्नापुर और वापसी। 200 पर सीट अपने को मिल गई है, पुणे वाली सीट बहुत बढ़िया। और ऑटो का भी मैं बता दूँ, ऑटो का सीन था, ऑटो वाला ने 1500 रुपये करके लाके 12 पे आया, फिर 11 पे आया, फिर 1000 पे आया, तो आप ऑटो भी कर सकते हो। 3 लोगों का था, 4 तो नहीं जाएंगे क्योंकि रूट है लंबा, 75 किलोमीटर का, तो दिक्कत नहीं वहाँ पर। बाकी ठीक है, आप थोड़ा नज़ारे लेते हुए चलेंगे मस्त एकदम, और श्वेता बैठ के आज ओके जी तो क्या कर रहा है यार, तो 10 मिनट का ब्रेक लिया है हमने, यहाँ से कुछ ही कितना बाकी है ये भी नहीं पता हमें, पता नहीं कितना बाकी है, जितना भी बाकी है ये देखो इस तरह का रोड है। फिलहाल तो ठीक दिख रहा है मेरे को, पर इसके आगे भी थोड़ा सा ना पीछे ख़राब था, और अब आगे थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा और आगे ख़राब मिलेगा। अभी देख लेते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है, अभी 32 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, देखो 24 किलोमीटर बचा हुआ है, तो 24 किलोमीटर के आसपास अभी है यहाँ से। 10 मिनट का हॉल्ट लिया भैया ने क्योंकि उनको खाना वाना खाना था यार, तो इसलिए। और गोलू कहाँ गया, वॉशरूम गया क्या गोलू? शायद वॉशरूम गया। श्वेता की हालत ठीक है ना भाई? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे यहाँ पे? चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, कोई नहीं आ रहे ना, तो ठीक है, इतना ही चाहिए था मुझे। कितने का दे रहे हो? 50 का है। तो ये नारियल पानी पीएंगे, दो दे दो। देखो जूस बनाने के लिए इसे रखा हुआ है, ये गन्ने का जूस ऐसे निकालते हैं, देखो इस पर चलता है बेचारा, ये बैल रखा हुआ है बढ़िया सींग वाला, ऐसे गन्ने का जूस निकालते हैं। और गन्ने का जूस कितने का देते हो? 20 रुपये गन्ने का जूस देते हैं भाई। चलो जी पीते फिर नारियल पानी। यहाँ से कितना टाइम लगे दादा अभी? 25 मिनट लगे। अच्छा नासिक के लिए भी जाते हैं क्या? अपन नासिक के लिए दूसरा गाड़ी जाता है, दूसरा जाता है शेरिंग वाला। कितना ऐसे जाते हैं? 350 रुपये। 350 रुपये वहाँ ड्रॉप कर देता है। हाँ, आपको साइड सीन पूरा घुमा के वापसी आने का, वापसी आने का भी उतना है, ड्रॉप होने का भी 700 रुपये अप डाउन। नहीं, 350 रुपये अप डाउन। हाँ, ड्रॉप आ जाओ या रिटर्न हो जाओ। अच्छा, तो 350 ही देने, चाहे आप रुक जाओ चाहे आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ से हमें कितना टाइम लग रहा है सिंगापुर के लिए? 25 मिनट। दादा का नाम क्या है? सुनील। हाँ, बैग लेके जरूरत नहीं होगी तो गाड़ी में छोड़ दो, दिक्कत नहीं, ले जाते साथ में। हाँ बस कर देते, बता दो जो चार जो तुमने सारी बात अंदर बताई, एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से। अच्छा तो मैं बताया, तो भाई उतर गए यहाँ से और मंदिर है सामने, इधर है ना मंदिर, थोड़ा मंदिर वाले व्यू पे आ जाओ। तो ये देखो लोकेशन पूरी, यहाँ पे भैया ने गाड़ी लगा दी अपना ट्रैवलर, मंदिर है सामने, भाई मंदिर आपको दिखाते हैं, भैया दो चार बातें बताएंगे आप सुन लो। सर जेंट्स लोग अपना चप्पल जूता गाड़ी में छोड़ के जाने का है। अच्छा बेल्ट कुछ नहीं जाएगा? कुछ भी नहीं, कैसा ये बिना लॉक वाला आवे। पर्स भी नहीं जाएगा? पर्स पर जा सकते हैं। अच्छा, पहले हाथ की घड़ी, कमर का बेल्ट, ये नहीं, कैसा लॉक वाला चीज पहन के मंदिर में जाती नहीं है। ठीक है, इसलिए बेल्ट वेल्ट उतारने को बोलते हैं। शनि का पानी इस तरफ वहाँ पे हाथ पा धो के आप मंदिर का जान लगे, मंदिर से। ठीक है, पहले जो सिस्टम था वो धोती वगैरह लगा के जाते थे, नहाने का सिस्टम बंद होगा। ठीक है, पहले लेडीज का अलाउड नहीं था। लेडीज जो दोनों, तो लेडीज का कब से चालू हुआ दोबारा से? ये अभी तकरीबन 5-6 साल हो गए, 2016 की बात है ना शायद, ये 2016 की बात है। तो तृप्ति देसाई जनवरी 500 महिलाओं को लेकर आई थी वो वाला ना। हाँ, और डेट भी मुझे याद आ रही है, 26 जनवरी 2016 की बात है। तो यही है सिस्टम अभी, और जो भैया ने बताया उसको ध्यान रखना भाई। तो चलो फिर अपना क्या है कि बैग वैग ले जा सकते हैं, सब चीजें अंदर रहेंगी, और सिर्फ बेल्ट और वो जो अपना वॉच वाला करा पता है वो बताएंगे। पहले पानी का काम करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं वहाँ से लेते हैं, अभी क्यों खुद ही पूजा करनी पड़ेगी, अंदर कोई पुजारी वुजारी नहीं है। तो ये देखो जी शनि सिग्नापुर मंदिर पहुँच गए हम, और पीछे आप फिर देखो नया मंदिर बन रहा है यहाँ पे। ओके जी शनि मंदिर से फिर बाहर आ गए हैं, पीछे मंदिर था, दर्शन वर्शन करके आ गए, ज़्यादा कैमरा वैमरा यार इस्तेमाल किया क्योंकि पूजा वूजा कर रहे थे ना। शनि सिग्नापुर के दर्शन हो गए हैं बढ़िया, बाबा ने बुलाना था यहाँ भी तो हम भी पहुँच गए। अब यही हमें ट्रैवलर हमें वापस लेके जाएगा शिरडी, और शिरडी हमें ड्रॉप करके जहाँ से इन्होंने पिक किया था, उसके बाद देखते हैं आगे
क्या करते हैं, भूख तो अभी लग नहीं रही क्योंकि पराठा कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया था, बस पानी वानी की प्यास लग रही है, बीच में नारियल पानी जो भी मिलेगा वो पीते हुए चलेंगे। पर ये हमारा आज का जो एम था वो पूरा हो गया है। ताकि वो हाईलाइट हो जाए, रॉयल लगेगी ना, रॉयल। इनका रंग क्यों करते हो सिंगों पे? शादी? अच्छा शादी हो गया इसका? शादी हो गई, अरे मुबारक हो। शादी भी है उसका भी यही कलर होगा। अच्छा यहाँ पे बैल की शादी भी कराते हैं? कैसे शादी कराते हैं? बारात लेके दिखाएंगे आपको। बुलाएंगे तुझे, ठीक है, तुझे इनविटेशन देंगे वो, ठीक है। दस मिनट का फिर से ब्रेक लिया है और श्वेता के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं, बैल जूस निकाल रहा है। थोड़ा तरीका तो गलत है, पर ठीक है यार, क्या करें, अब कर तो रही है जो भी है, मतलब ठीक है यार, यहाँ यही चलता है। बाकी पीछे उन्होंने झूले लगा रखे, देखो वहाँ पे ऐसे बैठ के बच्चे झूलते झालते हैं। सही है, ठीक है, अभी गन्ने का जूस पीते हैं, 20 रुपए का है, और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट सिटी की तरफ। ओके जी, पहुंच गए शिरडी और समय हो रहा, देखो 4:30 बजे शिरडी हम उतर चुके हैं। बहुत बढ़िया सफ़र रहा हमारा चनी सिग्नापुर का, और अब यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल के लिए, पीछे से बहुत ही करीब है, बहुत ही फास्ट है। सुनील भैया थैंक यू सो मच, भैया से मिले भाई, इनसे आना तो भैया शिरडी में इन्हीं के साथ जाना, इन्हीं के साथ जाना, मज़ा आएगा और बहुत सही लगेगा, और अपने पसंद के गाने भी चलाए, उसके लिए आपको धन्यवाद भेजू, हमने कहा भैया ने वो चलाया, बाकी सफ़र हो गया। और कल हमें जाना नासिक, तो नासिक का आप 350 रुपये जाती है, इन्हीं की जाती है, मतलब इन्हीं के ग्रुप की है गाड़ी, वो जाती है नासिक, और मतलब वापस लेकर आते 3:30 में जाना, 3:30 में आना वापस। 350 में अप डाउन, अप डाउन होता है ना? कौन सी तीन जगह कराते हो? पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर और मुक्तिधाम, तीन जगह आप करा के अपना कितने कितने घंटे में सब आ जाता टोटल? वो पूरा टोटल आपको सुबह 7 बजे निकल गए तो पूरा एक वन डे प्रोग्राम रहता पूरा। अच्छा 7 बजे निकले तो सुबह रात 8-9 बजे तक वापसी, मतलब टोटल 12 घंटे मान के 12 घंटे 12 घंटे के आसपास लगेंगे, आप जा सकते हो। बाकी हमें भी कल जाना है, पर हमें कल वहाँ से और आगे जाना है, तो चलो फिर सुनील भाई मिलते हैं आपसे फिर आगे कभी। चलो जी, चलो जी वापस चलते अपने होटल पे और पानी वाली ले लेते, पानी खत्म हो गया एक्चुअली, और बाकी भूख तो कुछ ऐसे ऐसा लग नहीं रही है, और बात वही है कि मजा तो वैसे आ गई, अब आगे जो होता है। बाकी फिलहाल चलते होटल पर, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, शक्ल थोड़ी सी ऐसी हो गई, टैनिंग वैनिंग हो गई होगी क्योंकि धूप थी बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल 37 डिग्री से कम नहीं होगा टेम्परेचर, 35 से तो ऊपर ही होगा, 37-38। और अब रूम पर पहुँच गए और अब आराम करेंगे 2 घंटे, उसके बाद आगे जाएंगे, देखते क्या होता है। भाई पानी मंगाया भैया से अभी 4-5 बोतल, उसे कटाकट पी लेंगे, प्यास लग रही, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है अभी, क्योंकि शाम के लिए जगह बचा लेना, बढ़िया कुछ खाएंगे शाम के लिए, है ना। ओके जी, 1 घंटे की प्रॉपर नींद ली हमने वहाँ से आने के बाद, और नींद लेने के बाद अब भूख लगी है, तो यार उसको खाना भी तो है ना, तो खाना खाने पहुँच गए हैं यहाँ पे साई जी जी दी थाट वाट, तो वहाँ पहुँच गए हैं और अब यहाँ खाना वाना खाने का विचार है हमारा। और हाँ अभी वहाँ पे पहले हमने क्या काम किया कि सुबह में जाना नासिक, और नासिक के लिए त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी और एक जगह और है वहाँ पे जाना है, तो इसके लिए हमने पहले बुकिंग करा ली, फिर तो हमने कहा चलो यार एक करा लेता है, ये शॉप है यहाँ से हमने बुकिंग करवा ली, एडवांस दे दिया इन्हें हमने, और बाकी का सुबह देंगे। तो इनका कोई बस जाती है, क्या कहते हैं, 32 सीटर है, अच्छी बस है, इनको पहले बस भी दिखाई हमें, तो वो बस हमने बुक कर दी, आपको बस दिखाऊंगा सुबह नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो फिलहाल तो इस वीडियो में, अभी तो वीडियो चालू है, अभी बंद मत करना यार जाना, खाना खाने का सिस्टम बन रहा है अपना, और यहाँ पे बढ़िया कुछ देसी एकदम दाल वाल खाते हैं। सुबह खाने का जायका जो आज मिला ना, मतलब मज़ा आ गया, कल से हम यही हैं और हमें अब जाके खाना जो है ना, मैं कहूँ बेहतरीन मिला है, मज़ा ही आ गया, एकदम ताज़ा ताज़ा बनाया आंटी ने और मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ गया। एक्चुअली एक्स्ट्रा ही खा लिया, थोड़ा हैवी हो गया, सुबह वाला मामला चल रहा था अभी, फिर भी हमने हैवी खा लिया, अब सुबह तक की छुट्टी होगी भाई, सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं करने का सोचा है, और आंटी यहीं हैं। आंटी थैंक यू सो मच आपको, और अगली बार कोई आएगा तो भाई हमारे रेफरेंस से आपके पास आएगा, उसे यही स्वाद देना आप, ठीक है।
हाँ आंटी का नाम क्या है आपका? हाँ आंटी का भाई आके मिलना, मैंने आपको दिखाई दिया शॉप बाहर से, और आप आओगे तो जो बोलोगे वो मिलेगा, वो भी ताज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले का बना हुआ या कुछ। और सबसे बड़ी बात है भाई रोटी में मैदा, जो रोटी है ना वो गेहूं की बनी हुई है, कोई मैदा वैदा उसके अंदर मिक्स नहीं है, और रेट तो बहुत ही बढ़िया, देखो रेट मैंने आपको ये दिखाई दिए तो बहुत ही बढ़िया रेट है, मज़ा आ गया, मतलब मैं क्या कहूँ बस। ठीक है आंटी चलो फिर आशीर्वाद दो, कल हमारी जर्नी सही रहे फिर। ठीक है फिर, और इधर अंकल है हमारे, अंकल से भी मिल लो, और अंकल ने हमारा पूरा खाना खाते हुए पूरा एंटरटेनमेंट किया है। चलो अंकल फिर कल मिलते हैं, ठीक है फिर, ओके चलो। अब ये सिटी में जब भी आएंगे आपसे फिक्स हो गया हमारा, एनी टाइम, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो देखो जी हमें एक शॉप मिली, होलसेल की शॉप है ये एक्चुअली, और साई बाबा के यहाँ पे मूर्ति वगैरह मिल रही है, होलसेल उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी रेट अच्छे हैं 50-80 ऐसे कर गया, बाकी छोटे वाले और सस्ता है, और फिनिशिंग देखो आप सब में बहुत बढ़िया लगा मेरे को। एक चलो फिर लेते हैं इनमें से कुछ बढ़िया सा, एक मीडियम साइज़ की चाहिए अपने को, और हाँ घर के लिए ही चाहिए, घर के लिए बहुत प्यारी से मूर्ति लेते हैं बाबा की, क्योंकि जी शॉप से ही ले लिया हमने दो तरफ, साई बाबा की मूर्ति एक्चुअली ले, साई बाबा की मूर्ति ले ली, और समय हो गया 10:15, फाइनली रूम पे पहुंच गए और अब करना आराम, और सुबह निकलना है हमें नासिक के लिए, कल भी जहाँ जहाँ जाना है वो कल के वीडियो में बात करेंगे उस बारे में, फिलहाल तो प्रसाद बाबा की मूर्ति और उनकी प्रतिमा वगैरह सब ले लिया है, फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए जो भी हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलो जी कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी, चलो तब तक के लिए नमस्कार।